हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। तो चलिए आज हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है इस वक्त, वो आपके बारे में या फिर इस रिलेशनशिप के बारे में ऐसा क्या सोच रहे हैं। तो चलिए हम आई रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले बता दें कि एक रीडिंग है, हो सकता है मे बी आपके साथ इसका कुछ पार्ट रेजोनेट करे, हो सकता है कि आपके साथ ये रेजोनेट ना करे। आपको लगता है कि आपकी स्टोरी है तो ही प्लीज सबसे दिखेगा। चलिए हम आई रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। चलिए ठीक है, हम देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग इस वक्त क्या है। साथ ही साथ बता दूँ कि ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप इसे जब भी देखेंगे ये आपके साथ कुछ ना कुछ रेजोनेट जरूर होगी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है इस वक्त, वो इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ये तो बहुत सारे कार्ड हैं, इसे वापस लेना चाहूंगी। चलिए आपके पार्टनर की करंट फीलिंग इस वक्त क्या है आपके लिए, और इस रिलेशनशिप के बारे में वो क्या सोच रहे हैं। चलिए देखते हैं। गाइस तो बहुत सारे कार्ड्स थे इसलिए मैंने उन्हें नहीं पिक किया, मुझे लगा कि शायद वो एक दो कार्ड्स है, तो बाद में मैंने उन्हें ध्यान से देखा तो काफ़ी सारे थे, तो इसलिए मैंने उन्हें वापस ले लिए थे। चलिए और देखते हैं। चलिए हम हमारी जो रीडिंग है उसे स्टार्ट करते हैं। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास यहाँ कार्ड आया है एट ऑफ सॉर्ड। तो चलिए पहले मैं कार्ड लगा देती हूँ ताकि आपको कार्ड अच्छे से दिखाई दे सके। ओके, हम साइन की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर जो है हमारे पास, हम साइन की बात करते हैं, हमारे पास यहाँ पर है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। साथ ही साथ हमारे साथ यहाँ पर है पाइसिस, सॉरी, एंड एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस। या हमारे पास मेजर अरकाना से जो है, जो मोस्टली कार्ड है हमारे मेजर अरकाना से है। जब हमारे पास मेजर अरकाना के मोस्टली कार्ड आते हैं तो हम उसे एक तरीके से गुड लक ही लेते हैं, मतलब आपके लिए जो है वो कुछ अच्छा ही है, जो डिवाइन है कुछ अच्छा प्लान कर रही है, यानी कि आपके रिलेशनशिप में जो है डिवाइन जो है अपना रोल प्ले कर रही है। चलिए हम साइन की बात कर रहे थे, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, पाइसिस साइन है यहाँ पर, ठीक है, पाइसिस के लिए साइन है यहाँ पर, और यहाँ एक्वेरियस है, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये आपके साइन हो सकते हैं या फिर ये आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपके जो पार्टनर है राइट नाउ, उन्होंने कुछ शायद मे बी आप कुछ लोग की जैसे रिलेशनशिप में कुछ हो सकते हैं कि सेपरेशन में हो, तो आपके जो पार्टनर हैं अगर उन्होंने कभी आपको हर्ट किया है या फिर आपके रिलेशनशिप में हो और आपके पार्टनर ने आपको हर्ट किया है, तो राइट नाउ वो अपना कर्म फेस कर रहे हैं, यानी कि उन्होंने जो बुरा किया है उसके साथ उनको उसके अकॉर्डिंग जो है फल मिल रहा है। बट येस, आपकी लाइफ में जो है यहाँ पर न्यू बिगनिंग जो है स्टार्ट होने वाली है, कुछ न्यू प्लान हो रहा है, कुछ न्यू एक्शन है जो है आपके लिए लिया जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि आप अपनी हीलिंग पे ध्यान दीजिए, आप खुद पे ध्यान दीजिए। द स्टार का कार्ड में बताता है आपकी जो विश है, जो डिज़ायर है वो जरूर फुलफिल होगी। यहाँ पे ये कार्ड में ये भी बताता है, पर अगर मैं आपके कार्ड पार्टनर की फीलिंग के अकॉर्डिंग बताऊँ तो आपके साथ जो है न्यू एक्शन, न्यू बिगनिंग जो है वो स्टार्ट करना चाहते हैं, बट राइट नाउ जो है वो अपना कर्म फेस कर रहे हैं। अगर हम बात करते हैं उनके लिए और भी, तो राइट नाउ आपके पार्टनर जो है खुद को
कंफर्ट करने में लगी हुई हैं, खुद को इस हिसाब से ढाल रही हैं ताकि वो आपके लिए खुद को रेडी कर सके। क्योंकि इस समय को जैसे मैंने बताया कि अपना कर्मा फेस कर रहे हैं, तो इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए, मूवमेंट करने के लिए वो प्लान कर रहे हैं कि कैसे वो आपके पास आएंगे, कैसे आपसे अपने दिल की बात जो है वो शेयर करेंगे। बट साथ साथ यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान रखना है कि आप अपने इस पार्टनर पे जो है अपनी गट फीलिंग, मतलब गट फीलिंग से इस पार्टनर के बारे में सोचें कि हाँ, क्या ये वही पार्टनर है जिसके साथ मैं रहना चाहता हूँ या रहना चाहती हूँ। क्या सच में इस पार्टनर के लिए जो है ये जो पार्टनर है मेरा, क्या सच में मेरे लिए रेडी है। आपको इस बात का भी जो है ध्यान रखना है, क्योंकि आपके पार्टनर जो है अभी तो रुके हुए हैं, जैसे बताया मैंने, कर्मा फेस कर रहे हैं। तो उनके मन में जो है कर्मा फेस करने के कारण कई तरह के विचार आ रहे हैं, वो पूरी हिम्मत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए काम करने के लिए। दोबारा से वो कोशिश करेंगे, वो दोबारा से खड़े होंगे और इस रिलेशनशिप के लिए काम करेंगे। और साथ ही साथ जो है इस रिलेशनशिप के बारे में जो है थोड़ा सा इंट्यूशनली, मतलब आपको अपने इंटेंशन पे ध्यान देना है कि उनके इंटेंशन कैसे हैं। हो सकता है कि अक्सर लगता है कि ये पर्सन हमारे लिए सही है, पर आपको अपने इंट्यूशन पे ध्यान देना है कि क्या सच में ये पर्सन मेरे लिए ही है। क्योंकि आपको इस रिलेशनशिप के बारे में अलग तरीके से सोचने की ज़रूरत है। आप ध्यान दीजिए इस पर्सन के बारे में कि हाँ, आपको इस पर्सन के साथ रहने के लिए अपने रिलेशनशिप को बैलेंस पर लाने की जरूरत पड़ेगी। आप दोनों को इस रिलेशनशिप में मिलकर इकट्ठे काम करने की ज़रूरत पड़ेगी, तभी जाके आपकी जो है एक हैप्पी फैमिली जो है आएगी। ये देखिए 10 of Pentacles, आपके रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आएगी, आपकी रिलेशनशिप में क्लोजर होगी, एक हैप्पी एंडिंग जो है वो तभी आएगी जब आप दोनों मिलकर इस रिलेशनशिप में काम करेंगे, आप एक दूसरे को माफ़ करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। और हाँ, आपके पार्टनर जो है आपके साथ जो है वो बिगनिंग स्टार्ट करना चाहते हैं इस रिश्ते को, अलग तरीके से जरूर स्टार्ट करना चाहते हैं। बट राइट नाउ जैसे कि यहाँ पर पास बॉटम ऑफ डेक्स आया था 8 of Swords, तो राइट नाउ जो है वो अभी स्टक है, खुद को हील करने में लगी हुई हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर दबे हो सकते हैं मे बी। और राइट नाउ वो इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने की नहीं सोच पा रहे हैं, जैसे मैंने बताया आपको कि वो उनका ध्यान अभी कर्मा फेस कर रहे हैं, तो अभी अटके हुए हैं, रुके हुए हैं, बढ़ नहीं पा रहे हैं, चीज़ों को नाप तोल रहे हैं कि कैसे करें कैसे ना करें। तो राइट नाउ आपको जो है इस रिलेशनशिप के लिए वेट करना ही पड़ेगा, रिजल्ट के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। आपके पार्टनर की फीलिंग जो है इस वक्त अप डाउन हो रही है, मतलब आप उनके दिल में हो बट वो उन्हें शेयर नहीं कर रहे हैं, आपको बता नहीं रहे हैं। वो आपको एक अबंडेंट लेडी तो देखते हैं, उन्हें पता है कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जिसके पास सब कुछ है, मतलब आप एक मदर फिगर, मतलब एक होम मेकर होती है ना, सबको संभाल लेती है, सब कुछ अच्छे से कर लेती है। वो आपको उस तरीके से देखते हैं आपके पार्टनर। तो ये है आपके पार्टनर की राइट नाउ करंट फीलिंग। तो आई होप ये आपके साथ रेजोनेट होगा। हो चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट रीडिंग में।